30 साल से मैं सड़क पे हूँ, हमारे दूसरे साथी भी सड़क पे हैं, लेकिन अपने बारे में बताने का आज शायद ये पहला मौका है। यहाँ मुझे लग रहा है कि 100 मीटर की दौड़ सबसे मुश्किल दौड़ होती है, उसी में शुरू करना, उसी में फर्स्ट आना और उसी में खत्म कर देना। एक बात मैं बार बार बताता हूँ, मेरे कई साथी पूछते भी है कि भी आप इस व्यवसाय में कैसे हैं। तो किसी शहर में एक बच्चा जो है वो नाले में गिर गया, और नाले में गिरने के बाद लोग देख रहे थे उसको, और देखते देखते इस बीच एक सरदार भी पहुंच गया, और सरदार को थोड़ा सा लोगों ने अलग किस्म का देखा, किसी ने धक्का दे दिया। उधर से घूमते घूमते एक पत्रकार भी देख रहा था उसको, तो वो पहुंचा और उसने कहा, सरदार जी आप को ये प्रेरणा कहां से मिली कि आपने इस बच्चे को रेस्क्यू किया नाले से? और सरदार जी ने कहा कि पहले तो गाली दी जो पंजाबी में चलती है, परिणाम को छोड़ो, और मैं तुम्हें दसो कि मैंने धक्का किसने दिता सीखा। वो हालत मेरा भी हुआ, गौतम बुक सेंटर को चलाने के लिए, इसके स्थापना करने के लिए मैं बड़ौद बागपत से आता हूं, जहां से आज भी थोड़ा आदमी कमाते हैं, वहां कल्चर के नाम पे एग्रीकल्चर, और उन्हीं के स्कूलों में पढ़ाई लिखाई, और उसके बाद फौज 17 साल और ये ऐसा कर करके मेरी 37 साल उम्र गुजर गई, और तब मैं डॉक्टर अंबेडकर के नाम को जाना, इस तरीके का बाद की बात है। खैर किसी तरीके से इसके स्थापना की और सड़कों में घूमते रहे। मुझे लग रहा है कि बाबा साहब ने दो काम मुख्य किए अपनी जिंदगी में, वैसे तो बहुत सारे काम है लेकिन जिनको मैं देख रहा हूं, एक तो धर्मांतरण का, जहां उन्होंने धर्मांतरण किया रातों रात इस देश के पुरातत्व चीजों का हमें मालिक बना दिया, क्योंकि इस देश में वो धर्म से संबंधित ही चीजें हैं, बाकी कुछ है नहीं। दूसरा जैसे वो संविधान बनाया, तो संविधान में इतने सारे अधिकार हमें दे दिए, जैसे फ्लड आ गया हो, और फ्लड आ गया तो उसमें कोई किधर होता कोई किधर, मैं भी उसका एक हिस्सा बना प्रकाशन का, और इस प्रकाशन के धंधे में से भी रोटी भी चल सकती है, इतिहास बन सकता है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भी हो सकती है, और पॉलिटिकलाइजेशन एम्पावरमेंट भी हो सकता है, ये मैं समझ रहा हूं अब थोड़ा सा। क्योंकि शब्द में जो शक्ति है उस शक्ति को हम नहीं समझ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उस शक्ति के अगर सबसे बड़े जादूगर रहे हैं तो वो कबीर साहब, जो दो शब्द में अपनी बात कहे और हर आदमी आज भी उसको याद करता है, चाहे वो दुश्मन हो चाहे दोस्त। जब हम हमारे कान में एक आदमी कोई बात कहता है तो चेहरे का हाव भाव बिगड़ना शुरू हो जाता है, चेहरे का हाव भाव संवरना शुरू हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, नाक में से गर्म हवा आने लगती है, जूते ढूंढने के लिए हाथ काम करने लगता है, और अगर कहीं अच्छी बात मिल गई तो चेहरे की भौं से लगा के पूरा चेहरा खिल जाता है। ये जो दूरदर्शन पे और दूसरे केबल चैनलों पे लोग काम कर रहे हैं, ये लोग फावड़ा नहीं चला रहे, पलिया नहीं हो रहे, शब्द जाल में फैलाए हुए, बट दे आर रिच इन वोकैबुलरी। इस बारे में भी हम लोग नहीं कर पा रहे, रोजाना हमारा सबका रोना है। मैं बहुत जनरल सी बात कर रहा हूं, इस भारी भरकम विषय से विषय में शायद मैं नहीं जा पा रहा हूं। रोजाना बहुत सारे लोग बैठते हैं, उनका रोना होता है कि हमारे बच्चे काम नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं यह भी पता नहीं है। अरे आजकल तो गाने से रोने से भी पैसे मिल रहे हैं, उसी को कर लो, उसे तो मना नहीं कर रहा है कोई, एक फिल्म बना ली है मोबाइल उठा के, वो भी हम बना सकते हैं, अगर हमारे में ताकत है तो हम उसको कर सकते हैं। ये मनोज जी ने मुझे मौका दिया
ये इसको मैं इस तरीके से भी कह रहा हूं कि जो भारतीय व्यापारी है वो बेईमान बहुत है, बेईमान कम तोड़ने और झूठ बोलने में नहीं है, वो अपनी बातें नहीं बताता है। बिरला जैसा सेठ जो बना वो अनपढ़ था, वो वहां तक कैसे पहुंचा अगर यही बात वो बता दे तो देश के बहुत सारे युवक बहुत सारे लोग उस लाइन में जा सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं बताते हैं। विदेशों की जो पुस्तकें हैं मैनेजमेंट की या दूसरी चीजें लिख के भेजते हैं, तो वो अगर सड़क पे किताबें बेच रहा है, सड़क पे व्यापार कर रहा है, सड़क से ही चल रहा है, तो वो चलते चलते कितना बड़ा हो गया वो अपनी कहानी लिख देता है, उससे लोग काम करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो फिर से मैं अपनी बात कर रहा हूं कि इसमें जो हम बातें कर रहे हैं, साहू जी महाराज भी कर रहे हैं और किसी भी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन हुआ है उसका। नॉर्थ इंडिया का डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं हुआ, आप बात ही नहीं कहते। सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ने के बाद आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपके खिलाफ कई बातें होती है। अगर इस दिल्ली में भी किसी अखबार के दफ्तर ने 50 पैसे का लिफाफा लिख के भी भेज दे कि तेरे पेपर का बायकॉट कर दे, खत लिख के भेज दे, तो उसे डर लगेगा। हमारा व्यवस्था में विश्वास ही नहीं है। लिखो तो सही, लिख के देखो तो सही, ये उसका काम होकर उसके बायकॉट करो, ऐसे चिट्ठियां लिख दो, सिराने रखी, सिराने लिख के भेज दीजिए, तो प्रतिक्रिया तो दोगे तभी तो कोई मानेगा। मैं तो सुन रहा हूं कि रोने से ही मां दूध देती है, दूध पिलाती है, पड़ा। तो जब हम कहते ही नहीं है तो कहना भी हमें चाहिए। और ये सारा कुछ विस्तार में कभी मनोज भाई का हार्ट भी पड़ रहा है क्योंकि समय तो सारा क्लोज हो चुका है, बाकी इसको लिखेंगे, किताबें मिल जाएगा। धन्यवाद।